Hi, this is Malika. Welcome to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Hi friends, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ला. मैं ली हूँ आटा 1 से 2 कप, कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च. अब हम इसको मिक्स करेंगे. आप देख सक रहे हैं मिक्स हो चुका है. अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे. सफिशिएंट पानी ऐड कीजिएगा ताकि आटे का लम्स ना रहे जब मिक्स कर रहे हैं आप. ज़्यादा पानी भी नहीं देना है क्योंकि जो बैटर है वो पतला हो जाएगा. आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके धीरे धीरे करके मिक्स करते रहें जब तक सारे लम्स प्लेन ना हो जाए. कुछ इस तरह हम लोग इसको मिक्स करेंगे. थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक. स्वाद अनुसार एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर. इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा. पूरा प्लेन बैटर होना चाहिए. एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा तो अच्छा है. आप देख सक रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ही थिक है तो मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करूँगी. फिर मिक्स करूँगी. तवा गरम कर रही हूँ. तवा गरम होते ही उसमें हम तेल ऐड करेंगे. तेल को थोड़े देर गरम होने दें. तेल गरम होते ही उस पर हम बैटर को डालेंगे जैसे डोसा में डालते हैं वैसे. इस तरह अब दूसरा साइड जो है नीचे वाला उसको थोड़ी देर पकने दें लो आंच पे. दूसरा साइड पका है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं. जब ये कुड़कुड़ा टाइप का हो जाए तो मतलब समझ लीजिए कि ये पक चुका है. आप देख सक रहे हैं ये लगभग पक चुका है. अब पूरे चारों ओर से इसको ऐसे करके निकाल लें और उसको फ्लिप करें. अब दूसरे साइड को भी थोड़ी देर पकने दें, ज़्यादा देर भी नहीं क्योंकि एक साइड ऑलरेडी पक चुका है और वो अंदर ही अंदर दूसरी साइड को भी पका देता है. जैसे नॉर्मली ऑमलेट में हम लोग ट्रिक यूज करते हैं वहीं सेम इसी में यूज होगा. को अगर ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो दूसरे साइड को भी अच्छे से पकाएं और कुछ देर तक रख दें ऐसे ही लो आंच पे तो वो क्रिस्पी हो जाएगा. अगर आपको नॉर्मली पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं. मैं इसके साथ ज़्यादातर सॉस यूज़ करती हूँ. सॉस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. अगर आप चाहें तो आप अचार के साथ भी खा सकते हैं या फिर कोई चटनी से भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है. लीजिए ये तैयार है. अब हम इसको खा सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.